नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ सेना तैनात। 4 साल बाद ऐसा हुआ। 2020 में जवानों को लद्दाख में एलओसी भेजा गया था। पाकिस्तान से जुड़े जम्मू बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के साथ ही सेना तैनात कर दी गई है। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को जम्मू रीजन से हटाकर लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर भेजा गया था। हालांकि अभी एलओसी से यहां जवान नहीं लाए जाएंगे, बल्कि जम्मू में 2-3 दिन में अतिरिक्त तैनात होगी। जो जवान पहले से जम्मू में हैं, उन्हें बॉर्डर भेज दिया गया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक कठुआ के पहाड़ी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में जवान तैनात हो चुके हैं। इन्होंने नदियों, बरसाती नालों, घुसपैठ के पुराने मार्गों को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है। ये जानकारी शनिवार यानी 20 जुलाई को जम्मू पुलिस मुख्यालय में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में हुई बैठक में दी गई। इसमें बताया गया है कि जम्मू रीजन में जवान बढ़ाने और खुफिया सूचनाओं को तुरंत साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर उन्नत कर रहे हैं। आतंकियों के सफाई के लिए इंटर कमांड बदलाव करते हुए कमांडो भी तैनात किए जा रहे हैं। वेस्टर्न कमांड से भी फौज भेजी गई है।